आप सभी को मेरे YouTube चैनल मेडी टेक पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मतलब QS5 के लिए नया जो भी लोग हैं QS5 जिनको चलाने में दिक्कत होता है QS5 को नहीं समझ पाते हैं उसमें मैं कैसे क्या करना है तो उनके लिए वीडियो है। अगर आप QS5 के बारे में आपको पूरा जानकारी है तो इस वीडियो के मत देखें क्योंकि हम कुछ बिगनर्स के लिए बता रहे हैं। जैसे बहुत लोग हैं कि जिनको QS5 नहीं जाता है चलाने उसमें कुछ नहीं समझ पाते हैं कैसे हमें कटना है कैसे हमें जोड़ना है किस तरह सॉन्ग को रिकॉर्ड करना है कैसे इसमें ऑडियो ट्रैक ऐड करना है साउंड नहीं ले रहा है साउंड रिकॉर्ड नहीं ले रहा है बज नहीं रहा है टेम्पो कैसे सेट करना है किस तरह इफेक्ट चैनल में इफेक्ट लगाना है ये सब चीज़ आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो जो भाई अगर जानते हैं QS5 के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक तो वो ना देखें क्योंकि इसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे QS के हर एक सेटिंग के बारे में जो पॉपुलर सेटिंग है जितना जान के आप काम कर सकते हैं QS में। तो आइए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या किए कि QS5 ओपन कर चुके हैं देख रहे हैं आप। तो मेरा सबसे पहला प्रोसेस होता है फाइल आप देख रहे हैं यहाँ से। तो हम सब इसके बारे में कुछ बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है सबके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन जो आपके काम की चीज़ है वो चीज़ आपको हम ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए ये फाइल है ठीक। तो यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं आप न्यू प्रोजेक्ट लाइब्रेरी कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल अगर पहले से आप सेव कर चुके हैं तो वहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। आप अगर लाइब्रेरी में सेव किए हैं न्यू प्रोजेक्ट बनाकर तो वहाँ से इसको खोल सकते हैं ठीक। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम कोई फाइल नहीं खोले इसलिए नहीं शो कर रहा है जब हम फाइल खोलेंगे तब ये काम करेगा। जैसे सेव कर सकते हैं जब फाइल कोई आप कीजिएगा तो सेव एज कर सकते हैं। बैकअप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कोई आपका फाइल आप जैसे ऑटोमेटिक सेव नहीं किए हैं कट जाए तो आप यहां से बैकअप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये आप टेम्पलेट कर सकते हैं सेव आप टेम्पलेट में भी कर सकते हैं सेव आप लाइब्रेरी कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं पेज सेटअप कर सकते हैं। आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ में आपको इतना में आपको ज़्यादा काम की चीज़ कुछ नहीं आएगा। आप इसमें जैसे ये सब तो आपका काम आएगा यहाँ से फर्स्ट में काम आएगा आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए। इसका भी कोई काम नहीं आएगा आपको शुरुआत में। ओपन में के काम आएगा दो हो गया आपको सेव का काम आएगा सेव आ जाएगा काम ठीक है दोस्तों। ये दोनों ये चारों चीज़ ऊपर से काम आएगा ठीक। अब फाइल जैसे आप इसमें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइल आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं ऑडियो फाइल हो मीडी फाइल हो ठीक है। तो आप यार डायरेक्ट इन ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्ट उठाकर भी डाल सकते हैं। जब आप गाना मिक्स कर सकते हैं जैसे आप गाना बना लिए चाहे कुछ ऐड वगैरह कुछ भी बोल लीजिएगा तो इसमें देखिए आप मीडी फाइल में एक्सपोर्ट करना सकते हैं तो मीडी में हो जाएगा मीडी लूप में होगा ऑडियो मिक्स डाउन में होगा। तो ये चीज़ जब हम फाइल खोलेंगे तब ये शो करेगा इसलिए ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको एगो रिफ्लेस ऑडियो इन वीडियो फाइल ही रिफ्लेस के लिए ऑडियो और वीडियो का आ जाएगा यहाँ से आपको कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ सेटिंग है इसका प्रिफ्रेंस है तो इसमें की भी कुछ सेटिंग जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ से हम इसको खोलें कि जैसे आपका ट्रांसपोर्ट पर आपका कर्सर जैसे आप QS5 में चला रहे हैं तो चलिए अब एक एक चीज़ फाइल से आपको करके आप बता देते हैं शुरुआत से और खोलेंगे प्रोजेक्ट तब आपको कुछ मालूम चलेगा। चलिए यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएशन करेंगे आप भी कर लीजिए। देखिए हम यहाँ से चलिए फिर से थोड़ा सा इसमें हम छोड़ दिए इसलिए फिर से हम आ जाते हैं। देखिए जब आप न्यू प्रोजेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आप देखिए इसमें ऑप्शन भी दे रहा है 16 आप मीडी ट्रैक कर सकते हैं 8 मोनो कर सकते हैं 4 स्टूडियो ऑडियो ट्रैक कर सकते हैं। तो हम जितना आप ओके करेंगे उतना पे हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको अगर अपना खुद से सब कुछ करना है तो आप बना सकते हैं अपने आप से इम्पेटी खाली ले लीजिए नहीं तो आप इसमें से लेना चाहते हैं। चलिए जैसे हम इसमें ऑडियो मोनो स्टूडियो 4 ले लेते हैं। देखिए यहाँ से आप जिस फाइल में सेव करना चाहते हो वो फाइल आप ले सकते हैं। देखिए मेरा खुल गया था ऑटोमेटिक ये सब चीज़ बना हुआ आ रहा है 4 गो मोनो का होगा सॉरी 4 गो मोनो का 8 गो और 4 गो स्टूडियो का था तो ये सब आ गया। तो इसको हम कट कर देते हैं अपना हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं लेयर। तो यहाँ से इम्पेटी में आइएगा यहाँ से आप ओके कर लीजिएगा जिस फाइल में सेव करना होगा इस तरह आपका इंटरफेस आ जाएगा। देखिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि देखिए इसमें आप देखिए अब यहाँ आपको राइट क्लिक करके देखिए एक ऑडियो ट्रैक हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हो जाएगा मीडी ट्रैक हो जाएगा। तो इसमें से हम आपको सिर्फ आप काम की चीज़ बताते हैं एक ऑडियो ट्रैक का काम का आएगा इंस्ट्रूमेंट काम में आएगा मीडी ट्रैक काम में आएगा ऐड इफेक्ट्स चैनल जो है ये काम में आ जाएगा ऐड ग्रुप चैनल आ जाएगा काम तो आपको सब आएगा लेकिन फिलहाल तत्काल के लिए जैसे आप शुरुआत करें तो ये सब चीज़ के काम आएगा जितना भी हम बताएँ ठीक है। तो यहाँ से हम एक ऑडियो ट्रैक ऐड करते हैं। देखिए स्टूडियो में मतलब आपके रिकॉर्डिंग जो आप ऑडियो डाल रहे हैं तो ऑडियो आपका चल सकता है स्टूडियो में लेकिन मोनो के लिए आप मतलब ऑडियो रिकॉर्ड के लिए आप मोनो में करना होगा ठीक है। आप म्यूजिक डाल रहे हैं तो स्टूडियो में रखें मोनो में इसलिए रखा जाता है क्योंकि स्टूडियो में मतलब डबल माइक काम करता है तो आपके पास अगर डबल
लेयर का कंडेंसर माइक होगा, तब स्टूडियो में दोनों लेयर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो हम इसको मोनो में रखेंगे ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और म्यूजिक डालने के लिए स्टूडियो में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम रख लिए, देखिए अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब आप इस पर रेड क्लिक कीजिएगा तो आपका रिकॉर्डिंग चालू लेगा, अगर ये रेड नहीं रहेगा तो आपका हम रिकॉर्डिंग टिपेंगे, जैसे स्टार से रिकॉर्ड होता है तो स्टार टिपेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं लेगा, क्योंकि जब तक जिस लेयर में हम रेड करेंगे उसी लेयर में ये रिकॉर्ड लेगा। जैसे हम दोनों में किए तो ये दोनों में रिकॉर्ड लेगा, ठीक है। देखिए मतलब QS5 का अभी जो मेरा कर्सर है, देखिए कर्सर यहाँ से चालू हुआ और फिर मतलब शुरुआत हो गया। तो क्या होता है QS5 आप जब फर्स्ट में इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका कर्सर जैसे यहाँ से चालू किए यहाँ तक छोड़े तो यहीं आके रुकेगा, वहाँ नहीं जाता है। तो इसके लिए आप आ जाइएगा, देखिए आप प्रीफ्रेंस के कुछ सेटिंग बता देते हैं। तो आप आ जाइएगा इसमें, देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप रिटर्न टू स्टार्ट पॉइंट कर दीजिएगा, ऑन स्टॉप यहाँ से आप इसको क्लिक रखिएगा तो ये आपका काम करेगा, ठीक है। इसमें बाकी दूसरा कुछ आपको नहीं इधर उधर करना है, ठीक। उसके बाद इसको आप ओके कर लीजिएगा, ठीक है। वो सेटिंग सही है मेरा, इसलिए उसको मैं इधर उधर नहीं किया। आपका अगर कर्सर कहीं बीच में रुक जाता है तो वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा ओके, ठीक है। देखिए अब इसको हम एक डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इस फाइल की चीज़ आपको तो हम सब चीज़ बता दिए, की कमांड है, यहाँ से आप की सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप परजेस्ट की कर सकते हैं। जैसे हम अभी फ़िलहाल आपको कर देखिए, जैसे हमें देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लिए, ठीक। यहाँ से मेरा बीट पे काम कर रहा है तो यहाँ से हम इसको इस पे कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको तीन खंड कट कर दिए। अब इसको जोड़ना है तो हम इसमें इसको कैसे जोड़ेंगे, तो फिर से यहाँ आके देखिए, अब यहाँ आएंगे ऑडियो पे प्रोसेस में, देखिए यहाँ प्लगइन्स है, प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है फ़िलहाल अभी कि इसको बाउंस सिलेक्शन करना है। तो बाउंस सिलेक्शन करने के लिए हमें निंडो फोर में आप इधर के जब बटन दबाते तो हमें काम करता है, तो इसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे हम इसमें की कमांड पे सेट कर लेंगे, देखिए की कमांड पे यहाँ से एक ऑडियो में आएंगे, देखिए ऑडियो ट्रैक पे यहाँ प्लस पे करेंगे, देखिए बाउंस है। तो हम पहले से इसमें हम बी क्लिक करके सेट कर दिए एडजस्ट, जैसे हम इसमें चलिए फिर से हम बी कर देते हैं, बी करके इसको अगेन कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें जब जोड़ना होगा तो हम बी को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएगा, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको की कमांड की यूज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको जैसे ऑडियो ट्रैक ऐड करना है तो वहाँ से आप की पर जाके जो भी चीज़ करना है वो आप कर सकते हैं की कमांड से, ठीक है। तो अब इसमें हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ तक आप समझ गए की कमांड, ये रिसेंट फोल्डर है जो पहले आप कुछ कुछ खोले होइएगा वो चीज़ इसमें आप ले आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब आपको हम बता देते हैं इसका एडिट के बारे में। तो एडिट के बारे में ज़्यादा आपको कुछ मतलब नहीं होगा, बहुत कम काम आएगा शुरुआती दौर पे। तो इसको आप जूम इन आउट कर लिए भी कर सकते हैं, देखिए एच से, जैसे हम इसको जूम करेंगे तो देखिए एच से जूम होगा, जी से मतलब जूम कम होगा, ठीक है। तो इसको आप की कमांड से भी सेट कर सकते हैं और मतलब इससे भी कर सकते हैं, इसमें पहले से कुछ है एच और जी, ठीक है। और पूरा जूम करना है तो आपको शिफ्ट एफ टिपना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कम काम आता है एडिट का। प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, देखते हैं, देखिए प्रोजेक्ट में आप ऑडियो ट्रैक कर सकते हैं, एडिट ट्रैक कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रैक है यहाँ से ना क्लिक करके आप जैसे यहाँ से आ रहा है जो मेरा फोल्डर, आप यहाँ से भी इसको ला सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका भी आपको काम नहीं आएगा। अब ऑडियो में आ जाते हैं, देखिए ऑडियो में क्या है कि प्रोसेस है, देखिए जैसे हम यह फोल्डर हम इसको सेलेक्ट कर लिए, अब इसमें हम ऑडियो में आ जाएंगे, देखिए प्रोसेस है। जैसे हमें फीड इन करना है, फीड आउट करना है, उसका आवाज़ बढ़ाना है, नॉइज हटाना है, नॉर्मलाइज करना है, ये सब चीज़ जैसे हम टिपेंगे वैसे ये काम करेगा। जैसे हम नॉर्मलाइज के लिए करेंगे आवाज़ पे अप्लाई, तो यहाँ से आपको जितना रखना है बढ़ा घटा लीजिएगा और यहाँ से प्रोसेस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं है इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा, ऑडियो इसमें हम नहीं रिकॉर्ड करके डालें, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, चलिए ठीक है। इसको हम ये कर लेते हैं, उसी तरह आपका सारा प्रोसेस जो भी इफेक्ट आपको देख रहे हैं, रिवर्स है, पिच शिफ्ट है, फेजर है, नॉइज गेट है, सब के सब काम करेगा इसी तरह इंटरनल इसमें, ठीक प्रोसेस में। और प्लगइन्स है, देखिए आप इंटरनल जैसे हमें प्लगइन्स एक तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, इसमें ये पूरा के पूरा में इफेक्ट लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, कैसे लगाया जाता है ये भी बताएंगे आपको। तो देखिए आप इंटरनल लगाना चाहते हैं, ठीक, तो इंटरनल आप यहाँ से लगा सकते हैं, ऐसे आके यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं, जैसे हम इसमें
एक्टिव अभी लगा दिए हैं, देखिए काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रोसेस कर देंगे तो ये काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो अब इंटरनल लगा सकते हैं। अब एक्सटर्नल कैसे हम लगाते हैं, देखिए मतलब इफेक्ट का तीन पार्ट है, एक दो तीन, ठीक। और इसका ग्राफ है दिया है, तो आप ग्राफ यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इसको हम खोल दिए यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आप ग्राफ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर और इधर आपको दो पार्ट में हो जाता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ 16 इफेक्ट आप एक साथ लगा सकते हैं एक लेयर में, या उसके अलावा आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक आप देखिए तो आपको हर चीज़ आपको हम बताने वाले, इसमें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा लीजिएगा, कोई भी हम यहाँ से देखिए इफेक्ट लगा लेंगे, ये मेरा इफेक्ट यहाँ लग गया। इसी तरह आप जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं इसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, सब के सब इफेक्ट लगा के एक एक चीज़ आपको जो भी इफेक्ट समझ में। मिक्सिंग के हम बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसमें आप देखे आप समझ सकते हैं मिक्सिंग कैसे करना है, इफेक्ट लगाने के तरीके हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इधर तो आप लगा लीजिएगा, यहाँ से आप आवाज़ इक्वलाइजर कर सकते हैं, नहीं आता है इधर उधर तो आप इसमें आ जाइएगा, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे होगा वैसे एक एक चीज़ को, ठीक है। अब देखिए अब इस साइड इफेक्ट हम लोग कैसे लगाते थे इसके बारे में बता दें आपको। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ से ऐड इफेक्ट चैनल, ऐड इफेक्ट चैनल में आ जाना है और डीले को खोल देना है, चाहे कुछ भी आप लगाना, चलिए मोनो डीले के लगा लेते हैं। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं कि वही लगा सकते हैं, यहाँ से वो काम आपका कर जाएगा, तो फिर आप लगा दीजिएगा उसमें और यहाँ आप आइएगा तो यहाँ आपका इफेक्ट्स वन काम करना चालू कर देगा। अब जितना लेयर बनाइएगा तो दो बनाइएगा तो काम करेगा, तीन बनाइएगा तीन काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इफेक्ट इस तरह लगा सकते हैं और उसके बाद देखिए इफेक्ट आप लगा सकते हैं यहाँ से, इसका कुछ सेटिंग है, जैसे देखिए एक दो तीन, तो देखिए एक तो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या होगा कि आपका इसी यही घसकेगा, जैसे आप कम बेस कर सकते हैं। और आप इसमें देखिए सीजिंग जो है ना टाइम स्ट्रेच, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक कर दिए तो अपने हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह खींचेंगे तो ये धीरे धीरे मतलब स्लो होते चला जाएगा आवाज़ जो भी आपका बोला रहेगा, इस तरह अगर हम कर देंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका इस तरह करेंगे तो फास्ट होगा, इधर करेंगे तो स्लो हो जाएगा, आपके पास ऑडियो डालकर देखिएगा तो ये पूरी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। इसका हम यूज़ नहीं करते तो इसके बारे में हमको नहीं बताएंगे, हम इसको और इसको ज़्यादा यूज करते हैं, चलिए ठीक। ये आपका क्या है कि जूमिंग वाला है, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करके आपका जो भी कट फिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो इसका भी काम आपको कम आएगा शुरुआती दौर पे, ठीक है। ये आपका कैंची है, इसका काम आपको हमेशा आएगा, आपको जब काटने की आवश्यकता होगी तब आप काट सकते हैं, ठीक है। तो कैंची क्या हो सकता है, ये समझिए जिसको हम लोग रबड़ बोलते हैं उस टाइप के रबड़ है, जैसे हम काटे यहाँ गलत है तो इसको आप मिटा सकते हैं, देखिए हम सबको मिटा देते हैं, देखिए ये मेरा मिट गया, देखिए ये मतलब ये भी मिटाना है जो मतलब ये समझिए रबड़ ही भी है। तो इसमें ऑल सेलेक्ट जैसे हमें हटाना है इसको तो यहाँ चिपेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। इससे आप जूम कर सकते हैं, इससे आप इसको म्यूट कर सकते हैं, जो आपका बजेगा ये चीज़ करने के बाद नहीं बजेगा, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसका भी आपको काम नहीं आएगा, तो इसको भी आप हटा दीजिए, चलिए इसका काम आपको नहीं आएगा तो इसलिए इसको हम करते हैं अब ख़त्म। अब यहाँ से आपका देखिए पेंसिल है, ठीक। तो पेंसिल जैसे हम यहाँ से कुछ ऑडियो सेलेक्ट किए बीट के लिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ से आपका कलर है, जो कलर आप डालना चाहते हैं वो कलर यहाँ से आपका ये वर्क करना चालू कर देगा, चलिए हम यहाँ से इस कलर को डाल देंगे तो एक ओके पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे, देखिए उसके बाद इसमें डाले वो कलर हो गया, ठीक। तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब बारी आता है, देखिए यहाँ से आप इसको भगा सकते हैं, यहाँ से आप इसको बजा सकते हैं, देखिए बज रहा है। यहाँ से आप जैसे हम यहाँ फॉलिंग सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ देखिए, तो हमें बार बार अगर बजाना है उतने को उतने, तो देखिए इस पे क्लिक करके रखेंगे फिर से ऑटोमेटिक ये बजना चालू कर देगा। अगर इसको हटा के रखेंगे बैकअप जो बैक के निशान है तो आगे बढ़ते चला जाएगा, देखिए आगे बढ़ते चला गया, ठीक है। तो इस तरह इसमें कर सकते हैं आप, जितना टेम्पो के रिदम या गाना बनाना चाहते हो उतना यहाँ आप टेम्पो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पो क्लिक ऑन करके देख सकते हैं, यहाँ से बजेगा क्लिक ऑन करने के बाद, ठीक है।
तो इस तरह आप अगर इतना करने के बाद जब आप मिक्स वगैरह कर लीजिएगा तो आप एक्सपोर्टिंग करने के लिए आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आप इसको आप सेलेक्ट करके जितना एक्सपोर्ट करना है उतना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आकर देखिए अभी मेरा एक्सपोर्टिंग वाला सब कैचर्स ऑडियो मिक्स डाउन में करना है तो ऑडियो मिक्स डाउन मेरा ही हो जाएगा। हमें जिस फाइल में करना है नाम यहाँ लिख लेंगे, फाइल सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो मेरा गाना एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग के और मिक्सिंग के हम बहुत सारे वीडियो दोस्तों बना चुके हैं, तो आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। तो इस तरह आप QVS 5 चला सकते हैं आसानी से। बाकी हर चीज़ के हर पार्ट 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 बाई पार्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। आपको शुरुआती दौर पे जो प्रॉब्लम होता है उसको चलाने के लिए हम बता दिए। जैसे भी आपका इस तरह इंटरफेस करता है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पूरा खुल जाएगा। ऊपर से थोड़ा कम हो जाएगा, देखिए ऊपर के जो लेयर है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।